सेवा सजोर पहनता सेवा सेवा। बहुत बहुत आभार धन्यवाद गुंडवाना गणतंत्र पार्टी का, जिन्होंने अमरवाड़ा विधानसभा से मुझे विधायक प्रत्याशी के रूप में आपने मुझे चुना। आपके इस विश्वास पे मैं पूरी ईमानदारी से खरा उतरूंगा। और जैसे लिंगोवासी दादा मनमोहन साह भट्टी जी ने उसी अमरवाड़ा विधानसभा से 2003 में विजय हासिल किया था उसी जोश और जुनून के साथ, और दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मनमोहन साह भट्टी जी के मिशन पे चलते हुए इस गोंडवाना का इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपने मुझ पे जो विश्वास जताया उसके लिए मैं पुनः आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और अमरवाड़ा विधानसभा की उन तमाम जनता जनार्दन को मैं आज सूचित करना चाहता हूं कि एक तरफ सैकड़ों पार्टियों के नेता प्रत्याशी के रूप में आपके सामने उतर रहे हैं, और एक तरफ आपके मिशन का युवा जो कल तक की सड़क में लड़ता था, सड़क में आंदोलन करता था, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता था, अब आपको वक्त है कि आप मेरे जैसे युवाओं को विधानसभा तक पहुंचाएं। विधानसभा में अगर हम पहुंचेंगे तो हमें पता है कि जिन हॉस्पिटल के लिए हम लड़े हैं, हर्रई में उन माताओं बहनों का तकलीफ मुझे याद है जो हर्रई अमरवाड़ा भटका खापा से 90 किलोमीटर दूर से इस छिंदवाड़ा जिले के अस्पताल में जब वो आती है और जब देखती है कि सोनोग्राफी के लिए उनको दो दो पांच दिन वेट करना पड़ता है। मैंने देखा उन युवाओं को जो उस भटका खापा दूर दराज से आते हैं अमरवाड़ा में कॉलेज पढ़ने के लिए, उनको रूम नहीं मिलता। मैंने देखा हूं उन हर्रई अमरवाड़ा के युवाओं को जो रूम के लिए तड़पते हैं, घूमते फिरते हैं। मैंने देखा हूं उस अमरवाड़ा की सड़कें को, मैंने देखा हूं उस अमरवाड़ा के भवन को जहां आदिवासियों के लिए बैठने के लिए भवन नहीं है, उन सड़कों पर चलने के लिए आदिवासियों के लिए ढंग से जगह नहीं है। ये छिंदवाड़ा के अंदर जो विकास हुआ है वो शहरों में आपको दिखाया जाता है, लेकिन आप जब भी आप नजर डालोगे समरवाड़ा हर्रई भटका खापा और सिंगोड़ी की धरती में तो आपको वहां विकास नहीं दिखता। यहां सिर्फ अमीरों के बड़े बड़े गाड़ियों चलाने के लिए विकास किया गया, लेकिन गरीबों की बैलगाड़ी चलाने के लिए विकास नहीं हुआ है। इन्होंने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा लिया, लेकिन उसी अमरवाड़ा की जनता वो गरीब शोषित वंचित जो दो वक्त की मजदूरी करने के लिए यहां वहां पलायन करती है रोजगार की तलाश में, उनके बच्चों को मैंने बिना शिक्षा के तड़पते हुए देखा है। मैंने उन युवाओं को तड़पते हुए देखा अमरवाड़ा के, जो जिनके पास रोजगार के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, जो बंद कमरे में जाके के रोते रहते हैं। मैंने उन युवाओं की बेरोजगारी को मैंने देखा है। इन एक एक चीजों का बदला हम जरूर लेंगे। आप अपना मत जरूर हमें दीजिए, क्योंकि एक तरफ नामदार लोग हैं और दूसरी तरफ कामदार लोग हैं। आपको कामदार लोगों को चुनना पड़ेगा। एक तरफ आप देख लीजिए वर्तमान विधायक राजा कमलेश साह जी, जिनकी स्थिति परिस्थिति से आप जायज हैं, जो अभी वोट मांगने के लिए आपके क्षेत्र में आकर ये बोलते हैं कि ये 15,000 ले लो, ये 20,000 रुपए ले लो, और आपको ढोल बजाने का गाने बजाने का सामान ये देके जाते हैं। ये काम के आधार पे वोट नहीं मांग सकते। दूसरी तरफ बीजेपी से प्रत्याशी है मोनिका जी, और मोनिका जी की विचारधारा से आप सहमत है देखे हैं, जिन्होंने अपने समाज के ऊपर विश्वास नहीं करी, चंद चुनाव जीतने के लिए बीजेपी में गई। मैं ये बोलना चाहता हूं ये गोंडवाना की समाज, ये मुस्लिम समाज, डहरिया समाज, बहुजन समाज जिस दिन एक प्रत्याशी के ऊपर अपना आशीर्वाद देती है तो किसी पार्टी के तलवे चाटने की और किसी पार्टी का गले में गमछा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद आप विधायक बन जाओगे। इसलिए मोनिका जी और कमलेश साह जी से मैं कहना चाहता हूं, इस बार आप अपनी कुर्सी बहुत पकड़ के रहिए, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा लुंज पुंज कार्यकर्ताओं को, इस बार देव रावण गौंड अमरवाड़ा विधानसभा से बिगुल फूकने आ रहा है। हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन याद रखना सड़कों पर आंदोलन करते हुए ये देव रावण भला भी देखेगा। ऐसा व्यक्ति को चुनो जो आपके लिए विधायक बने या ना बने, सड़क में उतर के लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार रहे। ऐसे प्रत्याशी को मत चुनना जो वोट लेकर और आने वाले समय में गोल हो जाए। जब भी अमरवाड़ा के किसी समाज के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है तो पहला नाम निकल के आता है हमारी गरम दल के युवाओं का आता है। तो साथियों, भाई और बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पहुंचाइए उस अमरवाड़ा भटका खापा बिजोरी की पूरी जनताओं तक, अमरवाड़ा विधानसभा के एक एक व्यक्तियों तक, क्योंकि अब समय आ चुके हैं कि अपने समाज के लिए और शासक बनने के लिए ऐसे युवाओं को चुनने का जो डंके की चोट में बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ के गुणवाना का झंडा विधानसभा में लहरा सके। ऐसे व्यक्ति को चुनिए, अन्यथा जीवन भर आप ऐसे रोते रहोगे, लड़ते रहोगे, लेकिन अब लड़ने का समय नहीं है। आप वोट में आपको चोट करना पड़ेगा उन लोगों की, और अपना वोट अपने को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप वोट देते हो वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, आपको पैसा राशन पानी सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में एक बोर्ड चाहता है। आप बोर्ड देके राजा बनाते हो, लेकिन अब मैं आपको बोलना चाहता हूं अब राजा बनाने का समय नहीं है, अब राजा बनने का समय है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इस झंडे को लेकर देव रावण भला भी पूरे जोश और जुनून के साथ अमरवाड़ा की धरती में कूद रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग आशीर्वाद बनाए रखेंगे, क्योंकि डंके की चोट में हम काम करने वाले लोग हैं, कभी किसी से डर के हमने काम नहीं किया। और गोंडवाना की उस मिसाल को और दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को काम करके हम लोगों ने अपनी एक नया पहचान बनाया है, और उसी काम को आज जमीन स्तर में दिखाने का वक्त आ चुका है। जय सेवा, जय गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुणमा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और अपने रिश्तेदार भाई बंधुओं और कॉलेज मैट और जितने भी लोग हैं सबको बोलें कि आप 25 से 50 लोगों को फोन के माध्यम से कॉल करें। आप इस वीडियो को भले ही बैतूल से देख रहे हो, उमरिया जिला से देख रहे हो, सिवनी से देख रहे हो, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, कहीं से भी आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आपके जितने भी परिचित अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर है सभी को आप मेरे लिए काम करें। सिर्फ आपसे एक ही मदद मैं चाहता हूं, उठाइए फोन और 50 से 60 लोगों को कॉल करिए, क्योंकि आपका एक कॉल मुझे विधानसभा में पहुंचा सकता है, अन्यथा सड़क में उतर के देवरावन भी अपना आंदोलन जारी रखेगा। साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे और आप जरूर फोन लगाएंगे हमारे उन तमाम वोट देने वाले भाई बंधुओं को, मतदाता गणों को, और जरूर विजय की बात करेंगे। आरी में वोट देना है, बटन दबाना है और भारी मतों से अपने आप को जिताना है। जी हाँ, इस बार आपका अगर आरी में बटन दबता है तो एक प्रत्याशी नहीं जीतेगा, गोंडवाना का हर पीला गमछा वाला व्यक्ति जीतेगा जो बीजेपी और कांग्रेस के गुलामी से बचेगा, क्योंकि इस पीला गमछा के ऊपर भाजपा का गमछा डाल के एक प्रत्याशी आपके क्षेत्र में आ रहा है, एक प्रत्याशी कांग्रेस से कांग्रेस का गमछा छोड़ के पीला गमछा डाल के आ रहा है। इसलिए पीला पीला गमछा वाले की सही पहचान करो। और मुझे पता है ये गोंडवाना से जुड़े हो लोग और बहुजन मूवमेंट से जुड़े हो लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हो लोग तमाम इस बात को समझेंगे और इस गठबंधन की सरकार को बनाएंगे। धन्यवाद।